गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रंस, हाउ आर यू? टुडे वी विल स्टार्ट सब्जेक्ट साइंस क्लास फर्स्ट लेसन नंबर 5 वर्ड्स। लेसन नंबर 5 वर्ड्स हम पढ़ चुके थे। आपने आगे रीडिंग करी कि नहीं करी? इसको कलर करना था, कलर किया कि नहीं किया? एनिमल्स अराउंड अस, 5th चैप्टर जो आपका है वो क्या है? एनिमल्स अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास जो एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना था। टाइप्स ऑफ एनिमल्स हम पढ़ चुके थे। टाइप्स ऑफ एनिमल्स में सम एनिमल्स सच एज कैमल एंड एलिफेंट आर बिग एंड अदर एनिमल्स सम एज माइस एंट एंड आर स्मॉल। ये मैंने आपको 27 को पढ़ा दिया था। इसके बाद हमें पढ़ना है नेक्स्ट पेज नंबर 37 वर्ड्स। मोस्ट वर्ड्स कैन फ्लाई, आप जानते हैं कि मोस्टली वर्ड्स ऐसे हैं जो कि फ्लाई यानी उड़ते हैं। दे फल फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, अपनी विंग्स यानी कि पंख की हेल्प से उड़ जाते हैं। दे हैव टू लेग्स टू रन एंड वॉक अराउंड, उनके टू लेग होते हैं, दो पैर होते हैं जिससे वो चलते भी हैं और दौड़ते भी हैं। दे ईट विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स, और कुछ भी खाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? अपनी बीक यानी चोंच का यूज़ करते हैं। दे डू नॉट हैव टीथ, आप जानते हैं कि वर्ड्स की टीथ नहीं होती हैं। देयर आर सम वर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई, दे कैन रन और वॉक, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि ना तो चल सकते हैं ना दौड़ सकते हैं, जैसे कि पेंगियन एंड ऑस्ट्रिच। ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सिर्फ चल सकते हैं, रन कर सकते हैं, बट फ्लाई नहीं कर सकते हैं। देयर आर सम वर्ड्स दैट कैन स्विम ऑन वाटर, इनमें से कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि वाटर में स्विम करते हैं, जैसे कि डक, डक मीन्स होता है बतख, स्वैन मीन्स होता है हंस। नेक्स्ट इंसेक्ट भी हम पढ़ चुके थे। इंसेक्ट में आपने देखा था इंसेक्ट आर स्मॉल एनिमल्स, दे हैव 6 लेग, सम इंसेक्ट हैव आल्सो विंग्स। आप जानते हैं कि इंसेक्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इंसेक्ट स्मॉल होते हैं, इंसेक्ट के 6 लेग्स होते हैं, और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके विंग्स होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रास हॉपर, कॉकरोच, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, हाउस फ्लाई एंड बी मॉस्किटो। ग्रास हॉपर आपने देखा होगा, ग्रीन कलर का इंसेक्ट होता है। कॉकरोच, कॉकरोच पे भी आपने देखा होगा विंग्स रहते हैं। एंड बटरफ्लाई, तितली भी सबने देखी होगी। ड्रैगन फ्लाई उसी की तरह वो होता है, टिड्डा जिसको बोलते हैं। एंड हाउस फ्लाई मतलब मक्खी, एंड चीटी, बी मधुमक्खी, मॉस्किटो मच्छर। सम इंसेक्ट लाइक द फ्ली, टर्माइट एंड रैट एंट डू नॉट हैव विंग्स, दे कैन नॉट फ्लाई। इसमें से फ्ली, टर्माइट और रैट एंट, फ्ली इस टाइप का एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, टर्माइट ये भी इस टाइप का ब्लैक कलर का आपने देखा होगा, चीटा जिसको बोलते हैं, एंड रेड एंट छोटी सी रेड कलर की चीटी होती है। इनके विंग्स नहीं होते हैं और ये उड़ नहीं पाते हैं। वेयर डू एनिमल्स लिव, एनिमल्स कहाँ रहते हैं? एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, इन रिवर और ऑन ट्री। एनिमल्स सच एज क्रॉ, पिजन, डॉग्स एंड कैट्स आर फाउंड इन अवर नेबरहुड। दे ईट फूड दैट इज लेफ्ट ओवर बाय पीपल, समटाइम्स दे कैप्ट इन अ जू। आप देखते हैं कि इस टाइप के जो बर्ड्स और एनिमल्स रहते हैं वो हमारे नेबरहुड रहते हैं, जैसे कैट, क्रो, पिजन, डॉग, ये हमारे नेबरहुड रहते हैं और हमारे घर के आसपास ही रहते हैं। ये ज़्यादातर आपको जू में दिखाई देंगे। सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि लैंड पर रहते हैं, जैसे कि कैमल, कैमल मतलब ऊंट, लॉयन, शेर। सम एनिमल्स ऐसे हैं जो कि वाटर के अंदर रहते हैं, जैसे फिश और ऑक्टोपस। देयर आर सम एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ लैंड एंड वाटर, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि लैंड यानी ज़मीन पर भी रहते हैं और वाटर पर भी रहते हैं, जैसे क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, फ्रॉग, मेंढक, हिप्पोपोटामस, ये इस टाइप के एनिमल्स हैं जो कि वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। सम एनिमल्स सच एज मंकी लिव ऑन ट्री, आपने मंकी या बंदर को देखा होगा, बंदर आपको कहाँ मिलेगा?
हमेशा मंकी और उसका ट्री पर रहता है। एनिमल दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो कि जंगल में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड एनिमल्स। एनिमल दैट लिव विथ अस और कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो कि हमारे साथ में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स। अब एनिमल्स बेबीज, एनिमल्स के जो बेबी होती है उनको हम क्या क्या बोलते हैं, जैसे हैन, हैन के बेबी को हम क्या बोलेंगे, चिक्स, क्या बोलेंगे, चिक्स। डॉग के बच्चे को हम क्या बोलेंगे, पपीज। काऊ के बच्चे को हम क्या बोलेंगे, काफ। कैट के बच्चे को क्या बोलेंगे, किटन। हॉर्स के बच्चे को क्या बोलेंगे, फॉल। शीप के बच्चे को क्या बोलेंगे, लैम्ब। तो यहाँ बच्चों का दिया हुआ है कि जो एनिमल्स हैं उनके जो बेबीज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। एनिमल अराउंड अस में आपका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसमें वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स लिव विद अस हमारे साथ में रहते हैं, सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, और लैंड जो लैंड पर रहते हैं वो है लायन और आपका कैमल यानी कि शेर और ऊंट। सम एनिमल्स अराउंड अस, सम एनिमल लिव इन वाटर, तो वाटर में कौन कौन रहता है, फिश एंड ऑक्टोपस। सम एनिमल्स लिव बोथ लैंड एंड वाटर, फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल। ऑल एनिमल्स हैव बेबीज, सभी एनिमल्स के बेबीज होते हैं। एंड सम एनिमल्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि अपने विंग्स से उड़ते हैं, जैसे पिजन एंड स्पायरो। तो बच्चों आपका लेसन नंबर 5th एनिमल्स अराउंड अस एंड हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको सेंड कर दूँगी। जिसको जो भी डाउट हो, जो कुछ भी समझ में नहीं आया है तो वो पूछ सकता है। आज की क्लास यहीं पर हम ओवर करते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दूंगी। नाउ टुडे किस क्लास इज ओवर, जितना भी आपको एक्सरसाइज दिया जाएगा आप बुक में करेंगे, सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर ही कॉपी में करेंगे। जैसे कि ये सी सेक्शन, ये आप कॉपी में करेंगे, ठीक है, और सी एंड डी, बस ये दो चीज़ आप कॉपी में करेंगे, बाकी सब आपको किस में लिखना है, बुक में फिल करना है, ठीक है। नाउ टुडे क्लास इज़ ओवर।